जिस लैब की हम स्टार्टिंग से इस वीडियो में बात कर रहे हैं, मैथ लैब की, जिसको बताया जा रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त लैब है, अब हम उसी लैब में, आप यहाँ पर मेरे पीछे देख पा रहे हैं, मैथ लैब के हम अंदर खड़े हैं और यहाँ पर क्लास चल रही है, लेकिन हम क्लास को थोड़ा डिस्टर्ब भी कर रहे हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्लास में जो बच्चे हैं वो बड़े अच्छी प्रकार से यहाँ पर सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। डायग्राम्स यहाँ पर काफ़ी तरह के रखे हुए हैं और उनसे ही ये लोग सीख रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैम हैं, मैम यहाँ पर सिखा रही हैं, इधर दूसरी मैम भी हैं वो सिखा रहे हैं। मैम नमस्कार। नमस्कार सर। मैम मैथ टीचर ही होंगे? जी सर। जी, तो मैम मैथ टीचर ही हैं, और तो मैम किस प्रकार से यहाँ पर सिखा रहे हैं, क्योंकि स्टार्टिंग से हम इस वीडियो में यही बात कर रहे हैं कि मैथ लैब है, हम लोगों को दिखाएंगे और बड़ी ज़बरदस्त रहेगी। सर जी बिल्कुल, जैसे देखो हम क्लास में बच्चों को ऐसे बोर्ड के थ्रू दिखाएं तो बच्चा उतना कैच नहीं कर पाता कि ये सी का मीन्स क्या होता है, उसको कन्फ्यूज़ रहता है। बट कार्ड के थ्रू जब बच्चा बार बार में इसको रिप्लेस करता है और इंटरेस्ट भी लेता है तो उसको इंटरेस्टिंग लगता है। जो यहाँ पर एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा, काफ़ी सारे फार्मूलाज होते हैं जो 10 तक यूज़ होते हैं, जिनको हमें बार बार रटना पड़ता था, क्या हम उन चीज़ों को इस लैब के माध्यम से पढ़ सकते हैं? श्योर सर, बिल्कुल। कुछ है ऐसा आपके पास जो दिखा सकें आप हमें? जी सर बिल्कुल है। दिखाएं कि जो हम फार्मूलेज के थ्रू हम जैसे बच्चों को फार्मूला बताते हैं, जैसे मान लो यही है, ये चीज़ है जो ये, जैसे हम ए प्लस में बी का होल स्क्वायर करवाते हैं तो इसके थ्रू हम क्या शो कर सकते हैं, बच्चे को पूरा का पूरा फॉर्मूला बता सकते हैं कि ए प्लस में बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इससे बच्चा उस कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाता है। ये जो डायग्राम्स जैसे आप बताते हैं बच्चे को, ये दिखाते हैं और उनसे वो चीज़ अच्छे से समझ पाता है बच्चे, इसको फिर अरेंज कर पाते हैं मैम अपने आप? बिल्कुल अरेंज कर पाते हैं सर, बिल्कुल। और ये जो बच्चे हैं कौन सी क्लास के हैं? सर ये 7th क्लास के बच्चे हैं। जी, इनसे अगर मैं बात करूँ तो ये बता पाएंगे यहाँ पर क्या चीज़ें किस प्रकार से हैं? बिल्कुल बता पाएंगे। चलिए जरा इधर से ही बात करते हैं कि कहाँ पर, ये स्टार्टिंग से ही बात करते हैं। बेटा क्या सीख रहे हो? इधर आ जाओ, इधर इधर मेरी तरफ। हाँ शाबाश, ये क्या सीख सर रहे हैं? हम यहाँ पे एंगल सीख रहे हैं। एंगल सीख रहे हो? यस सर। तो एंगल्स में क्या कुछ सीख रहे हैं? ये देखिए, ये मैथ का ही एक टूल है और उससे बच्चा एंगल सीख रहा है। बेटा बता पाएंगे हमें किस प्रकार से एंगल्स हैं इसमें? सर देखो सर, यहाँ पे ये हो गया तो ये 90 डिग्री का बन गया, इसने 1/4 रोटेट किया है। अगर सर ये यहाँ पे आ जाएगा तो इसने स्ट्रेट एंगल बन गया, ये 180 डिग्री का होता है। फिर सर अच्छा, ये सारी चीज़ें मैम बताते हैं? यस सर। और जब क्लास में थोड़ी पढ़ाते हैं मैम तब नहीं समझ में आता ये अच्छे से? सर तब भी आता है लेकिन यहाँ पे वो ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। समझ आ जाता है? हाँ यस। आपको भी आता है बेटा? यस सर जी, समझ आता है। कुछ बच्चे और भी हैं इधर और वो भी अपना अपना लगे हुए। बेटा समझ आ रहा है जो ये सारी चीज़ें आप कर रहे हो? यस सर। और लैब में आकर के ज़्यादा मज़ा आता है या क्लासरूम में मज़ा? लैब में आता है। लैब में आता है मज़ा जी मैम, बच्चों को तो लैब में ज़्यादा मज़ा आ रहा है। जी सर बिल्कुल जी, लैब में मजा आ रहा है। एक मैम और भी हैं, उनसे भी जर्जी मैम। यहाँ बच्चे प्रैक्टिकल करके सीखते हैं और प्रैक्टिकल करेगा तो आई थिंक वो परमानेंट रहता है बच्चे को और वो लंबे समय तक उन चीज़ों को भूलता नहीं है। बिल्कुल, लंबे समय तक अगर याद रखना है तो प्रैक्टिकल करना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे मैम और हैं, एक्सक्यूज मी मैम, थोड़ा सा डिस्टर्ब करूँगा मैं आपको, सॉरी। आप बच्चों को काफ़ी कुछ दिखा रहे थे, लेकिन मैम क्या सिखा रहे हो बच्चों? सर पाइथागोरस थ्योरम करवा रहे हैं। पाइथागोरस थ्योरम करा रहे हैं? भाई सब थ्योरम से तो हमें तो बहुत डर लगता था। मैम बच्चे फिर इन चीज़ों से सीख पा रहे हैं? यस सर। हम तो रटते थे। नहीं सर, वो एक्चुअली हम थ्योरेटिकल करवाते हैं तो वो चीज़ रटी जाती है, बट प्रैक्टिकली बच्चे करते हैं तो वो इंटरेस्टिंग वे से करते हैं और फिर उसको अच्छे से लर्न भी कर पाए। कुछ डायग्राम्स हैं और इन डायग्राम्स की मदद से मैम बच्चों को करवा रही हैं। तो मैम बच्चे जूनियर्स तो ठीक है, सीनियर्स भी होते हैं जो प्लस वन प्लस टू के जो बच्चे होते हैं उनका मैथ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा होता है, उसको कैसे समझाया जाता है मैथ लैब के लिए? भी अपने पास सर ऑपरेटर्स क्या चीज़ है मैम, दिखाएंगे ज़रा हमें? जी चलिए देख लेते हैं, सीनियर्स क्लासेस के लिए हमारे पास क्या अवेलेबल है तो, और मैथ लैब उनके लिए भी क्यों ज़रूरी है? जी मैम, ये तो ट्रिग्नोमेट्री चार्ट है सर, इसमें हम इनके एंगल्स के बारे में कर सकते हैं। ये अपने पास शेप्स रखी हैं, ये पैराबोला हाइपरबोला सारी शेप्स रखी हुई हैं।
है वहाँ पे प्रोबेबिलिटी के लिए जो अपने पास बाउल्स होती हैं उनके एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कार्ड्स हैं अपने पास और ये शेप आसान हो जाता है मैम इससे सीखना। सर हाँ जी सर, अब जैसे हम मेंशुरेशन करवाते हैं बच्चे को, हम अगर बताते हैं बोर्ड पे मेंशन करके बताते हैं तो वो नहीं कर पाते हैं, बट अगर शेप दिखा के और उनको बताया जाता है पूरे फॉर्मूले भी लर्न हो जाते हैं इससे और वो अच्छे से कवर आसान हो जाता है, मतलब फॉर्मूलाज को याद करना आसान हो जाता है और फॉर्मूला आ जाएगा तो सवाल बच्चा ऑटोमेटिक अपने आप करने लगेगा, बिल्कुल सवाल निकल जाएगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि एक मैथ को समझाने के लिए इतनी बड़ी लैब एस्टेब्लिश की गई है और जैसा कि सर ने स्टार्टिंग में कहा था महेंद्र सर ने कि हमारे पास जो लैब है उसमें हम बहुत अच्छी प्रकार से काफ़ी सारी चीज़ों से बच्चों को मैथ सिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पर बिल्कुल सच है। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ, अभी तक की जितनी लैब देखी उनमें सबसे शानदार जो लैब है वो यही, हालांकि दूसरी लैब्स में कोई कमी नहीं है, मैंने आप लोगों को वो भी दिखाई, हर चीज़ की सुविधा वहाँ पर है, लेकिन उनसे भी बेहतरीन तरीके से, क्योंकि मैथ जो है आज के दिन हर एक व्यक्ति की ज़रूरत है, चाहे वो साइंस साइड से अपना पढ़ाई कर रहा हो या ना कर रहा हो, कॉमर्स से कर रहा हो तो भी मैथ चाहिए, आर्ट से कर रहा हो तो भी मैथ चाहिए, कुछ ना कुछ आपको अगर ज़िंदगी में कुछ करना है तो भी मैथ चाहिए। तो ये मैथ को सीखने के लिए इतने सारे टूल्स मैंने पहली बार किसी स्कूल में देखे हैं, और अगर इस प्रकार की फैसिलिटी स्कूल दे रहा है तो भाई मैं तो ये कह रहा हूँ कमाल की बात है। एक बार आप लोग विजिट करके आप लोग अपने आँखों से देखो कि यहाँ पर कितनी बढ़िया तरीके से ये सारी चीज़ें हैं वो सिखाई जा रही हैं। और यहाँ पर एक बार मैं चाहूँगा मेरे सहयोगी से कि तमाम बच्चों को एक बार दोबारा दिखा दें कि किस प्रकार सभी बच्चे बड़ी ही लगन से, हम देखो यहाँ पर बात कर रहे हैं लेकिन उसके बावजूद भी ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे जो हैं ये लगातार अपना जो काम है वो बाकायदा कर रहे हैं, तो ये अच्छी चीज है। और अब हम यहां से बाहर निकल लेते हैं, तो चलिए आपको स्ट्रक्चर दिखा रहे थे स्कूल का, और स्कूल का स्ट्रक्चर जाहिर सी बात है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखना उसमें बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्डिंग जो है इस स्कूल की बड़ी ही शानदार यहां पर बनाई गई है, हर तरफ आप यहां पर देख सकते हैं बड़ी अच्छी प्रकार से जो क्लासरूम को सेट किया गया है और बिल्कुल अच्छी प्रकार से, और क्लासरूम के बाहर भी आप अगर देखेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं टेक्नोमेट्री टेबल को यहां पर पूरा नोटिस किया गया है, बच्चा गलियारे से भी तो भी उसकी नजर यहां पर जाए तो उसके बाद वो कुछ ना कुछ उसमें अगर कुछ पढ़ेगा तो वो कुछ सीख पाए। और यहां पर ये बच्चा कुछ है हमारे साथ, बेटे कौन सी क्लास से हो? मैं 12th क्लास में। 12th क्लास से हैं, तो स्कूल में क्या कुछ सिखाया जो जा रहा है वो समझ में आता है, क्या कुछ स्कूल दे रहा है आप लोगों को फैसिलिटी? सर जहाँ तक टीचर्स की बात है एवरीथिंग इज़ ओके, जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया है सर इस स्कूल के बारे में मेरा पर्सनल ओपिनियन है, जितना मैंने पर्सनल ओपिनियन देखा है, जितना मैंने लोगों को देखा है, मैं स्कूल्स के बारे में जो सोचता हूँ कि टीचर का एक काम सर किसी बच्चे को पढ़ाना या नहीं, खाली पढ़ाना नहीं होता, टीचर का काम एक बच्चे को बताना होता है, बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है। बताते हैं आप लोगों को अच्छी प्रकार से, क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ बाहर भी टेबल्स वगैरह बना रखी हैं बच्चों को अच्छी प्रकार से बताने के लिए, तो लगता है कि यहाँ पर आप सीख पा रहे हो? यस सर। और उसके अलावा सर जैसा कि एक टीचर का काम है एक बच्चे को अच्छा इंसान बनाना, बच्चे को अच्छा इंसान बनाने के लिए एक इंटरेक्शन होना चाहिए जो ज़रूरी है, जैसे अगर एक बच्चा है इंटरेक्शन है सर, हम बहुत ज़्यादा फ्रेंडली है अपने टीचर्स के साथ तो हमारी जो बातें हैं वो समझते हैं, हमें अच्छे तरीके से भी समझते हैं। कुछ ऐसे सवाल रह जाते हैं जो क्लास में हमारी नहीं याद रहते कि हम वो सवाल पूछ लें या क्या है, बाद में हमें याद आता है अरे ये चीज़ रह गई, उसके बाद जब आप टीचर्स के पास जाते हो तो वो करा देते हैं? यस सर। और अगर घर पे याद है तो आप हमारे पास टीचर के पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर भी है, हाँ हम उनके पास मैसेज वैसेज करके हम पूछ लेते हैं। यहाँ के तो टीचर 24 घंटे बच्चों के लिए अवेलेबल हैं, और क्या चाहिए, बढ़िया चीज़ है ये कि बच्चे का हर सवाल जो टीचर है वो ले रहा है और पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, तो एक अच्छी चीज़ है कि बच्चे को जब भी दिमाग में एक क्वेश्चन आया बच्चे ने फ़ोन करके अपने टीचर से पूछ लिया। तो कभी किया है फ़ोन आपने? यस सर, अभी कल ही किया था मैंने, कल ही किया था, वेरी गुड। तो बताया उन्होंने? हाँ चलिए बताया उन्होंने, तो अच्छी बात ये है कि उन्होंने बताया है। तो चलिए कुछ और बच्चे हैं इधर क्लास में हैं तो उनसे भी हम ज़रा जानने की कोशिश करते हैं, तो और काफ़ी सारे यहाँ पर दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बेटे कहाँ जा रहे हो? सर मैं गुड आफ्टरनून सर, फर्स्टली जा कहाँ रहे थे? मैं अभी क्लास में जा रही थी। क्लास में जा रहे थे तो यहाँ पर, तो फिर तो हम तो दूसरी क्लास में खड़े हो आप? नहीं मैं इसी क्लास में थी, मुझे कुछ काम से रिलेटेड मैम के पास जाना था, कुछ डाउट्स थे वो क्लियर करने थे। डाउट्स क्लियर करने के लिए अभी जाना है?
हाँ वो क्योंकि अभी डाउट्स है, मेरी थोड़ी फ्री बेल है ये, तो इसलिए मैं डाउट्स क्लियर करने के लिए जो मेरे को मैम टाइम दे देंगी या सर श्योर मैम जरूर टाइम देंगी हमें, क्योंकि कोई भी फ्री बेल होती है मैं डाउट के लिए जाती हूँ और मैम हमें फ्री बेल देती है। की बात है, फ्री बेल भी नहीं है, बच्चे डाउट लेकर के पहुँच रहे हैं और मैम अच्छे से कराते हैं। या सर बिल्कुल मैम, जो हम डाउट पूछते हैं उसे रिगार्डिंग और एक्स्ट्रा भी मैम करवाती हैं यहाँ पे। एक्स्ट्रा भी करवाते हैं, तो एक्स्ट्रा में जो करवाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि बर्डन हो गया है, नहीं इतना नहीं करना चाहिए? नहीं बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से ही हमें एक्स्ट्रा करवाने का और जो चीज़ें हैं वो मेन चीज़ें बताने का और पूरा एक्स्ट्रा करवाने का पूरा सब साथ में मैम स्टार्टिंग से ही करवा रही है, तो हमें इस चीज़ का बर्डन बिल्कुल भी नहीं लगता। बिल्कुल बर्डन नहीं है, तो मेन बात यही पूछूंगा बेटा कि जो पेरेंट्स होते हैं बहुत बार चीज़ें मन में रखते हैं कि हमारा बच्चा नहीं कर पा रहा है या हमारे बच्चे की हम परफॉर्मेंस से संतुष्ट नहीं है, आपकी परफॉर्मेंस से आपके जो पेरेंट्स हैं वो संतुष्ट हैं इस स्कूल में आने के बाद? या सर बिल्कुल संतुष्ट है, कि मेरे पेरेंट्स पूरे सेटिस्फाई करते हैं स्कूल से रिगार्डिंग, क्योंकि बच्चे में जो इम्प्रूवमेंट आया है वो बहुत ज़्यादा है। मैं यहाँ पे लास्ट 6 साल से यहाँ पे पढ़ रही हूँ और मेरा इम्प्रूवमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हट के आया है यहाँ पे। और मैं तो ये और बताना चाहूँगा कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हमें हम खुद कर कर देखते हैं, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, जो प्रैक्टिकली हम करते हैं एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हम खुद करते हैं। और आगे अब जब यहाँ से पढ़ करके निकलोगे तो भविष्य कैसा देख पा रहे हो, कि यूनिवर्सल स्कूल आपके उस भविष्य को उज्जवल बना रहे? या सर बिल्कुल, यहाँ से कई सारे बच्चे जो हैं वो नीट क्लियर करके और एनडीए क्लियर करके लेफ्टिनेंट बने हैं। आपका क्या एम है? मेरा नीट का एम है, मैं नीट क्लियर करना चाहती हूँ, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। मेडिकल स्टूडेंट हैं, नीट क्लियर करेंगे और आगे आपको एक अच्छी डॉक्टर देखने को मिलेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से अपने फ्री पीरियड में भी कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए अपनी टीचर के पास जा रही हैं, तो ये कमाल की बात है कि डाउट्स क्लियर करने के लिए फ्री पीरियड भी बच्चा अपना ऐसे ही जाने नहीं दे रहा है, वो डाउट्स क्लियर करने के लिए जा रहा है, वहाँ पर अच्छे से सीखने के लिए जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी बात है। और ये ऐसे ही नहीं होता है, ये टीचर्स के और स्टूडेंट्स के बीच में जब अच्छा बॉन्ड बनता है, उनकी आपसी अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनती है, तब होता है। तो यहाँ पर टीचर्स के साथ जो आप लोगों जो रिलेशन जो रहता है आप लोगों का टीचर स्टूडेंट्स का, वो अच्छा है, बड़ा ही वो अच्छे से बात कर लेते हैं आप लोगों से? या सर बिल्कुल, यहाँ के जो टीचर्स है पूरा स्टाफ है बहुत कोऑपरेटिव है और एक छोटी से छोटी चीज़ भी वो समझता है बच्चों की, और यहाँ तक कि हालांकि हमारी जो प्रिंसिपल मैम है रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम वो भी पूरा इतना सपोर्ट करती है, एक छोटी सी छोटी बात का भी ध्यान रखती है बच्चों का और पूरा फुल सपोर्ट करती है। एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, आ जाओ थोड़ा सा इधर आओ, थोड़ा सा इधर आओ, ये जो बिल्डिंग जो आप लोगों की बनी हुई है इससे संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल। और यहाँ पर जैसे मैं इधर भी देख पा रहा हूँ काफ़ी सारी जो चीज़ें उधर भी हैं, और यहाँ पर जैसे आपके ये लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में कभी गए हो? या सर बिल्कुल, मैं डेली मोस्टली जाती हूँ लाइब्रेरी में और यहाँ पे आपको सारी बुक्स मिलेंगी, इवन कि यहाँ पे आपको जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी भी बुक्स मिलेगी और यहाँ पे कई सारी डिफरेंट टाइप्स की बुक्स आपको मिलेंगी, डिफरेंट राइटर्स। गया था अंदर और वहाँ पे मैंने काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, तो मैं यही जानना चाह रहा था एक्चुअल में कभी मैम झूठ बोल रहे हो कि बच्चों को दे रहे हैं आपने, मिल रही है ना? या सर बिल्कुल मैम झूठ नहीं बोल रही, क्योंकि मैं कल ये एक बुक इशू करवा के गई थी आकाश की भी, यहाँ पे एस एल अरोड़ा के भी है, प्रदीप की बुक भी है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा मतलब बुक्स हैं, हर तरह की बुक्स अवेलेबल हैं। और बच्चे की जैसे जो एम है वो नीट क्लियर करने का है, तो जाहिर सी बात है उसकी जो तमाम जो फैसिलिटी है उसको क्लियर करवाने के लिए वो यहाँ पर इसको मिल रही है। डाउट्स क्लियर हो रहे हैं और डाउट्स क्लियर होने के साथ साथ बुक्स लाइब्रेरी से इशू हो रही हैं, और साथ ही साथ जो इतनी बढ़िया जो बिल्डिंग जो अभी हम आपको दिखा रहे थे, वो जाहिर सी बात है जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होता है तो वो काफ़ी काम आता है, बच्चे में कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और वो कॉन्फिडेंस आप यहाँ पर बच्चों में देख पा रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया बात है। जहाँ हम शिक्षा की बात कर रहे थे तो वहाँ पर खेलों की भी बात करेंगे, जैसे हमने कल आपको यूनिवर्सल स्कूल गोरिया में दिखाया था वहाँ पर खेलों के लिए लगातार जो मेहनत स्कूल करवा रहा है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर आर्चरी का ग्राउंड है और इस आर्चरी के ग्राउंड में आप यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी सारे बच्चे जो हैं आर्चरी के खेल के लिए जो प्रैक्टिस हैं, तीरंदाजी आप इसको हिंदी में बोल सकते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हैं, और यहाँ पर छोटे से और भी बड़े बच्चों तक भी हैं, और यहाँ पर सर जो हैं लगातार इनकी जो है प्रैक्टिस यहाँ पर करवा रहे हैं, और यहाँ पर आप देख लीजिए कि कितने बढ़िया तरीके से कितनी शिद्दत से बच्चे तैयार करें। सर कितने बच्चे यहाँ पर जो खेलों के लिए कम से कम सर 20 बच्चे हैं जो हमारे पास आर्चरी की प्रैक्टिस करते हैं इधर, ठीक है, तो और ये बच्चे कहीं आगे तक भी खेल रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्सल स्कूल गोरिया में तो हमने देखा था कि इंटरनेशनल भी बच्चे थे, तो यहाँ पर कहाँ तक बच्चे खेल? हाल ही में सर हमारे बच्चों ने नेशनल लेवल तक
गोल्ड मेडलिस्ट का काम किया है। नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडलिस्ट तो भाई इस स्कूल में भी हैं, पिछले 7 साल से स्कूल चल रहा है और 7 साल में नेशनल लेवल के तो बच्चे यहाँ पर इनके द्वारा तैयार कर दिए गए, ये बहुत बढ़िया बात है। सर कौन कौन से गेम्स यहाँ पर करवाए जाने हैं? आर्चरी तो हम देख पा रहे हैं, आप यहाँ पर ट्रेनिंग दे रहे हैं। आर्चरी सर, टेबल टेनिस है और टाई कमांडो का गेम है हमारे पास। हाँ जी, तो इन सबको यहाँ पर अच्छे से करवाया जा रहा है। आप ही कोच? हाँ जी, आर्चरी का कोच मैं ही। आर्चरी के कोच सर हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि बच्चे बड़ी ही अच्छी प्रकार से तैयारी कर रहे हैं। तो बेटा सीख पा रहे हो यहाँ पर? हाँ। और कब से सीख रहे हो बेटा आप? एक महीने। कितना टाइम हो गया? एक महीने से। और मैं देख रहा था काफी अच्छा आप यहाँ पर तीरंदाजी कर रहे थे। हाँ। सर ने अच्छा सिखाया है? हाँ। अच्छा सिखाया है। बड़े बच्चों से थोड़ा सा बात करेंगे, वो कितना टाइम हो गया, कितने टाइम से सीख रहे हो बेटा? एक साल से सर। एक साल से सीख रहे हो, तो लग रहा है कि जब आप इस गेम को आगे अपने कंटिन्यू करेंगे और स्कूल जो मेहनत आपसे करवा रहा है तो आप कहीं ना कहीं और अच्छा कर पाएंगे आगे। यस सर। अभी कहाँ तक खेल चुके हो आप? नेशनल तक सर। नेशनल खेल चुके हो? यस सर। और वहाँ पर जब टीमें आती हैं तो वहाँ देखते हो टीमों के जो खिलाड़ियों को, तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं अपने स्कूल में ये चीज़ और होनी चाहिए? नहीं सर, सब कुछ ठीक है यहाँ पे। सब कुछ ठीक है? हाँ। कुछ थोड़ी बहुत तो चीज होगी सर, ऐसे के लिए जरूरी होगा है ना। आप कहाँ तक खेले हो सर? मैंने नेशनल के ट्रायल दिए हैं। नेशनल के ट्रायल दे दिए हैं, तो बड़ी मेहनत करनी पड़ी होगी वहाँ तक पहुँचने के लिए। यस सर, डेफिनेटली मेहनत तो करना ही है, लेकिन कोच सिखाता है तो उसको प्रैक्टिस करना, तो स्कूल हमें ग्राउंड प्रोवाइड कर रहा है, टारगेट प्रोवाइड कर रहा है। तो काफी महंगे आते होंगे, जैसे आप बोल जो आप लेकर के घड़े हैं और सामने टारगेट्स भी काफी महंगे आते होंगे। यस सर, बहुत। तो स्कूल सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं? यस सर। सर जैसे हम बाहर खेलने जाते हैं तो स्कूल, जैसे अभी हाल ही में हम गुड़गांव गए थे स्टेट के लिए, तो स्कूल ने 4 दिनों तक हमें बस प्रोवाइड कराई थी और रहना खाना पीना, वो खाना पीना स्कूल ही प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, और होटल में भी गए थे हम जी, तो वहाँ पर रुके जो, वो सारा कुछ स्कूल ने प्रोवाइड। यस सर, यस सर। तो देखिए बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए स्कूल हर प्रकार की मदद कर रहा है और जाहिर सी बात है, देखिए फीस जो है वो बच्चों से इसके लिए कोई एक्स्ट्रा नहीं चार्ज करी जा रही है कि भाई आपसे एक्स्ट्रा फीस चार्ज कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। ठीक है, बच्चे उसी फीस में जो आप स्कूल के लिए दे रहे हैं उन्हीं चीज़ों में वो ये सारी चीज़ें सीख रहे हैं, तो एक अच्छी ये चीज़ प्रैक्टिस में अच्छा है। और जाहिर सी बात है कि बच्चे अब जब नेशनल के ट्रायल्स दे रहे हैं या नेशनल खेल चुके हैं, तो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है कि एक स्ट्रक्चर अच्छा यहाँ पर तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बार इन बच्चों के जो निशाने हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। हालाँकि जो छोटे बच्चे हैं शायद उनका निशाना थोड़ा सा चूका है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सेंटर में बिल्कुल। सर थोड़ा सा आप आएंगे, थोड़ा सा इसके बारे में जानना चाहेंगे सर, जो बच्चे का ये जो सेंटर जो पहुंचा है पूरा, तो किस प्रकार से यहाँ पे मार्क्स होते हैं और बच्चे, अगर हम इन्हीं की बात करें जो इनके निशाने लगे हैं, तो इनके मुताबिक आज ये बच्चे कहाँ स्टैंड करते हैं? सर ये जो इस फेस के ऊपर मार्क्स होते हैं, जो येलो में लगता है वो 10 होता है, वो जो रेड में होता है वो 9-8 होता है। ऐसे इनके तो में तो देखिए एक बच्चे ने तो बिल्कुल, और रेड में भी, ये 2 नंबर भी इसके येलो में ही है और रेड के अंदर भी है। तो इनके जैसे कंपटीशन होता है तो इनके मार्क्स कनेक्ट किए जाते हैं, उसके बाद में इनका रिजल्ट तैयार किया। ये जो बच्चे हैं जो यहाँ पर हैं, तो ये किस स्टैंडर्ड के बच्चे आप मान रहे हैं सर? ये सर बहुत ऊंचे लेवल के बच्चे हैं और हमारे यहाँ से ना काफी बच्चे को साई हॉस्टल में सिलेक्शन भी हो चुका है आर्चरी के अंदर। जी, साई हॉस्टल में भी सिलेक्शन हो चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि इंडिया की टीम के लिए इंटरनेशनली भी आने वाले समय में शायद वो खेल पाएंगे। और हाल ही में तो हमारा दिसंबर में वो अंकित नाम का लड़का है, वो नेशनल लेवल का चैंपियन है, नेशनल चैंपियन भी, हमने बात भी की है। और बच्चे जो हैं यहाँ से काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। जी सर। और हमारा स्कूल है सर गेम में हर तरह की सपोर्ट करता है, जैसे कि साथ में कोच का भेजना होता है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा होती है, रहना खाना होता है, वो स्कूल हमारा प्रोवाइड करवाता है यहाँ पे। बिल्कुल। और खेलने के लिए बहुत अच्छा समय मिलता है यहाँ पे। जी, स्कूल हर चीज़ की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है, पढ़ने की, खेलने की, लैब में प्रैक्टिस करने की, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं बच्चों को सभी सुविधाएं भी यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। तो इन्हीं सुविधाओं के बारे में जान लेते हैं कि ये सारी सुविधाएं किस प्रकार से स्कूल मैनेज कर पा रहा है, तो प्रिंसिपल सर से चलिए बात कर लेते हैं। तो हमने आप लोगों को पूरा स्कूल घूम करके दिखाया है, क्लासरूम का आपको एक डेकोरम दिखाया है कि इस प्रकार क्लासरूम में बच्चे जो हैं
सीख रहे हैं और साथ ही साथ आपको वो लैब्स भी दिखाए हैं जिनका जिक्र जो है चाहे डायरेक्टर सर कर रहे थे, चाहे स्टूडेंट्स ने किया, चाहे टीचर्स ने किया, और उन लैब्स में आपने माहौल भी देखा होगा, बच्चे कितने अच्छी प्रकार से पढ़ रहे थे वहाँ पर, उनके द्वारा खुद प्रैक्टिकल करके हमें दिखाया गया है। तो ये जो सारी जो चीज़ें हैं ये जाहिर सी बात है बिना किसी डायरेक्शन के नहीं हो पाती हैं, और ये जो तमाम जो डायरेक्शंस हैं चाहे वो आप शिक्षा में कह लीजिए, चाहे खेल में कह लीजिए, लैब्स का देख लीजिए, या जो भी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप देख पा रहे थे उसका कह लीजिए, ये जो सारी जो डायरेक्शन है वो प्रिंसिपल मैम के थ्रू जाती हैं। तो अभी हम प्रिंसिपल मैम प्रियंका पिलानिया जी के हम साथ में यहाँ पर बैठे हैं और इन्हीं से हम जानेंगे कि जो ये जो इतने जो तमाम जो चीज़ें तैयार की गई हैं किस प्रकार से तैयार की गई हैं, क्योंकि हम कल से आपको दिखा रहे हैं यूनिवर्सल स्कूल का गोरिया का हमने आपको दिखाया था और आज हम चिड़िया में पहुंचे हैं, तो जाहिर सी बात है वहाँ का बड़ा शानदार माहौल रहा था, तो यहाँ पर भी हम देख पा रहे हैं कि उस माहौल में कोई कमी नहीं आई है, कुछ ना कुछ बेहतर दिखा है हमें। तो यहाँ पर मैम से ही जान लेते हैं कि ये इतना बेहतर माहौल किस प्रकार से तैयार किया उन्होंने। तो जाहिर सी बात है प्रियंका जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पर स्वागत है मैम, और सीधा सवाल यही कि इस प्रकार का माहौल, इतना बेहतर माहौल, क्योंकि हम बड़े सारे स्कूलों में घूमे, हमें इतना माहौल नहीं देखने को मिलता, हर चीज़ वेल मैनर्ड तरीके से चीज़ें चल रही हैं, क्लास में डेकोरम बहुत बढ़िया बना हुआ है, लैब्स इतनी शानदार आपने बनाई हैं, ऑडियो विजुअल रूम भी आपने बनाया, तो इतना सब कुछ कैसे अरेंज कर पाते हो? सबसे पहले तो इसमें सबसे ज़्यादा योगदान मेरे स्टाफ का है, पूरा स्टाफ हम एक प्रोसेस के बाद हायर करते हैं, वेल क्वालिफाइड है, स्किलफुल है, 7 डेज का हम डेमो रखते हैं उनका, सबसे पहले वो रिज्यूम में अपनी क्वालिफिकेशंस देते हैं, उसके बाद हमारे पास टेस्ट होता है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद 7 डेज का डेमो, उसके बाद पूरा सब कुछ चेक कर लिया जाता है, ठोक बजा के देख लेते हो कि टीचर अच्छा है। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कि हमारे डायरेक्टर सर हैं मैनेजर जी, वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में बहुत बिलीव करते हैं, क्वालिटी हम कैसे मेंटेन कर पाते हैं, हमें उसके लिए टीचर चाहिए, अगर एक स्किलफुल टीचर है तो उसको गाइड किया जा सकता है और उसके साथ काम भी किया जा सकता है, लेकिन अगर स्किलफुल नहीं है तो उसमें प्रॉब्लम आती है। सो इस सबसे पहला हमारा जो सबसे मजबूत कड़ी है हमारी, वो हमारे स्टाफ की है, हम उनके साथ काम करना भी पसंद करते हैं, उसके बाद फिर हम उनका वर्कशॉप्स भी कंडक्ट करते रहते हैं मंथली टू मंथली। बिल्कुल, मैं ये बात कर रहा था महेंद्र जी से, महेंद्र जी ने मुझे बताया था कि बाहर भी आप दूसरी स्टेट्स में भी जा करके शायद ये वर्कशॉप अटेंड करके आते। बिल्कुल, हम अदर स्कूलों में विजिट भी करते रहते हैं, हमारे टीचर्स की भी जैसी उनकी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, पूरे स्टाफ को ले जाना होता है तो हम पूरे स्टाफ को भी लेके जाते हैं, अगर पूरे स्टाफ को नहीं ले जा पाते क्योंकि हमें स्कूल भी मेंटेन रखना होता है, तो जैसे जहाँ पे मैथ की अच्छा है वहाँ पे, जैसे महेंद्र जी काफ़ी विजिट करते रहते हैं स्कूलों में और जो है, तो फिर वो हमें गाइड करते रहते हैं, उसके अकॉर्डिंग फिर हम पूरा स्टाफ के साथ वर्कशॉप्स करते हैं, बाहर से भी हमारे पास एजुकेशनिस्ट आते हैं, वो भी हमें गाइड करके जाते हैं, मेरे पूरे स्टाफ को गाइड करके जाते हैं। लेकिन ये बच्चों का जो सिलेक्शन होता है, क्योंकि मैं देखता हूँ बहुत सारे स्कूलों में टेस्ट होते हैं, फिर उनके अकॉर्डिंग वो इंटरव्यूज़ करते हैं, उसके बाद बच्चों को लेते हैं, बेहतर बच्चों को अपने स्कूल में ले लेते हैं, बाकी को छोड़ देते हैं, आपके स्कूल का क्या स्ट्रक्चर है, क्या एडमिशन प्रोसेस आप लोग अपनाते हैं ताकि ये जो आप क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है उन बच्चों को दे पाएँ? ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो सर बिल्कुल मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है कि मैं उसी बच्चे को लूँ जो अच्छा है, मैं पेरेंट्स के सामने ओपनली रखती हूँ, हम स्कॉलरशिप कम एडमिशन टेस्ट रखते हैं जिसमें जो स्कॉलरशिप वाले बच्चे होते हैं जो पोजीशन लेते हैं उनको कंसेशन भी मिलता है, बट कुछ बच्चे नहीं भी कर पाते, उसमें से कुछ वीक भी निकल के आते हैं, तो जब एडमिशन के लिए बच्चे आते हैं तो हम अपना प्रोसेस चेक करके रखते हैं कि हाँ ये बच्चे ने स्कॉलरशिप दिया था, अगर नहीं दिया होता है तो हम उससे एडमिशन टेस्ट ले लेते हैं, और जैसे ही हम पेरेंट्स से मिलते हैं तो हम उनसे बात करते वक्त उनको ये ओपनली बता देते हैं कि आपका बच्चा जो है इस सिचुएशन में है, इसके साथ हमें यहाँ एक्स्ट्रा काम करना होगा, या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि हमें अलग से क्लास लगानी पड़ जाती है, तो हम उसके लिए रेडी रहते हैं। सेंट्रिक जो एजुकेशन है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं? यस, चाहे वो हमारा फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हो, चाहे हमारी एक्टिविटीज़ के थ्रू हो, प्रैक्टिकल्स के थ्रू हो, लैब्स के थ्रू हो, जब तक बच्चा समझ नहीं लेता तब तक व्यर्थ है।
तो हम इस थ्योरी पे काम मानता हूँ मैम, अगर बच्चे को समझ नहीं आया तो उस पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैम ये जो पढ़ाई है मैं देख पा रहा हूँ, पढ़ाई करवा रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ भी करा रहे हैं, मैं बाहर जा करके आपके ग्राउंड भी देख करके आया, बड़ा शानदार ग्राउंड है आपका, पार्क आपने बड़ा अच्छा मेंटेन किया है। तो इस तरह की जो सारी फैसिलिटी हैं बड़े महंगे स्कूलों में मिलती हैं, आपका स्कूल महंगा तो नहीं है? सर जिस तरह की एजुकेशन मैं प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, तो उसके हिसाब से तो फीस कुछ भी नहीं है, उसके अकॉर्डिंग तो आप कह नहीं सकते महंगा है। नॉमिनल फीस है, नॉमिनल बर्डन नहीं आ रहा है भाई, ये तो बढ़िया बात है कि बर्डन नहीं आ रहा है। और जाहिर सी बात है पेरेंट्स के अगर जेब पर बर्डन नहीं आ रहा है ना, तो मैं पेरेंट्स से एक बार ये चीज़ कहना चाहूँगा, आप दूसरे स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ा रहे हो जहाँ पर आपके जेब पर काफ़ी बर्डन भी बढ़ रहा है। एजुकेशन शायद जो अब मैं आप लोगों को आज मैंने स्ट्रक्चर दिखाया है वैसी अगर नहीं मिल पा रही हो तो एक बार स्कूल को विजिट ज़रूर कीजिएगा, पर्सनली आइएगा। प्रियंका पिलानिया जी यहाँ पर हैं, सारी चीज़ों को देखते हैं, तो ये आप लोगों को पूरा शायद स्कूल भी विजिट कराएंगे और तमाम जो जानकारियाँ हैं वो भी देंगे। हम भी अभी जानकारियाँ लेने का प्रयास ही कर रहे हैं कि कैसे कैसे क्या है, क्योंकि हम कल से आपको बता रहे थे हम मनु भाकर का स्कूल जो है उसको विजिट करा रहे थे। तो मनु भाकर हालांकि स्कूल में नहीं रही हैं, वो उधर गोरिया वाले स्कूल में रही हैं, लेकिन यहाँ पर भी उन्हीं का स्कूल है, उन्हीं की ब्रांच एक और है, वो भी यूनिवर्सल स्कूल था और ये भी यूनिवर्सल स्कूल है, एक ही डायरेक्टर हैं। तो हम देखना चाह रहे थे कि क्या अगर दूसरा स्कूल कहीं पर एस्टैब्लिश किया है तो उसमें भी क्या ये वो फैसिलिटी दे पा रहे हैं, या केवल दूसरा स्कूल नाम चल गया तो दूसरा स्कूल बस ऐसे बना दिया कि वो भी चलता रहेगा, तो ऐसा नहीं है। आज हमने आपको दिखाया कि वो तमाम फैसिलिटीज़ यहाँ पर भी उपलब्ध हैं जो गोरिया में उपलब्ध थी। और मैंने आप लोगों को बताया भी कि 35 किलोमीटर तक का जो एरिया है लगभग कवर हो रहा है। यहाँ पर हमने बच्चों से भी बात की थी, उन्होंने भी बताया था सर दूर दूर से बच्चे, तो मैम ये दूर दूर से जब बच्चे आते हैं तो क्या फैसिलिटी दे पा रहे हैं, जो व्हीकल्स की सुविधा है वो आप दे पा रहे हैं, पेरेंट्स खुद अपने आप से बर्डन लेकर के बच्चे को यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी पे छोड़ के जा रहे हैं? ट्रांसपोर्ट सर्विस हम प्रोवाइड करवाते हैं सर, हमारे दूर दूर से दादरी से भी बच्चे आते हैं, इधर भी हमारा पालड़ी तक है और काफी दूर दूर तक है। तो डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हो मैम, दादरी, झज्जर और महेंद्रगढ़, बिल्कुल तीन डिस्ट्रिक्ट कवर हो रहे हैं सर। और बिल्कुल हम छोटा एरिया नहीं कह सकते, ट्रांसपोर्ट पे बिल्कुल ध्यान देते हैं। पूरा स्कूल विजिट किया, पूरे स्कूल में कुछ ग्रेफिटीज आर्ट्स वगैरह बना रखी हैं, तो मैम पेंटर से बनवाई हैं या फिर ये भी बच्चों की और टीचर्स की मेहनत है? ये टोटली जो मेरे बैक में भी आप देख रहे होंगे, आपने ये सामने ही मेरे रिसेप्शन पे देखा होगा, प्ले लर्न एंड ग्रो टुगेदर, ये सारे वीडियो यहीं से स्टार्ट हुआ था, मैं बहुत अच्छी लगी जी, अंदर से भी ये सारा टीचर्स ने गाइड करते हुए और बच्चों ने बनाया है। टीचर्स ने गाइड किया और बच्चों ने बनाया इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग? हाँ जी, और ये टीचर्स का भी काफ़ी योगदान है, क्योंकि बच्चे छोटी मोटी गलतियां तो देखो करते हैं, बट कई बार हमारे साथ ऐसा भी होता है कि सेकंड थर्ड क्लास का भी बच्चा हमसे जो है ना जिद कर रहा है कि मुझे भी करना है, तो हमें वो देना भी पड़ता है। समझ रहे हो आप लोग कि छोटा सा बच्चा भी बड़ी मेहनत कर रहा है यहाँ पर अपनी प्रतिभा को दिखाने के लिए, ताकि उसके पेरेंट्स जब इस स्कूल में आए ना तो पेरेंट्स को भी ये बता पाए कि ये देखिए ये मेरी मेहनत है। काफ़ी सारे आपने आर्ट्स के पीसेस देखे हैं, बच्चों ने बनाए हैं, और टीचर्स की तो जाहिर सी बात है बहुत ही ज़बरदस्त मेहनत है, और ये मेहनत आपको इस स्कूल में देखने को मिल रही है। तो एक बार तो विजिट कर ही लो, मैम का थोड़ा सा समय आप लो ताकि मैम को भी ये पता चले कि हाँ कि लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कितने प्रयासरत हैं। तो मैम को थोड़ा सा मैं कहूँगा कि परेशान करो आकर के कि मैम आपके स्कूल में क्या कुछ है, क्या नहीं है, क्या हमें चाहिए, तो वो मैम आपको शायद प्रोवाइड करने की पूरी। फाइनली एक चीज़ पूछना चाहूँगा, नेक्स्ट सेशन अब स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, क्या कुछ अब की बार नया इस स्कूल में आप लोग करने वाले? जी तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हमारा सक्सेस रेट जो है वो बहुत ही अच्छा है। अभी लास्ट आप 2021 और 2020 का जो सेशन देखेंगे उसमें से भी हमारे 3 लेफ्टिनेंट्स हैं जी, मैंने देखा बिल्कुल बाहर ही आपने उसके फोटो भी लगा रखे जी, ये बच्चों को मोटिवेशन देते हैं, तो बच्चों को हाँ लगता है कि हाँ यहाँ से ये गए थे क्योंकि ये जानते हैं, उन्हें मिले हुए हैं, तो ये उनको मोटिवेट करते हैं।
सेकेंडली अगले साल की जो बात आती है उसमें ये है कि हम रोबोटिक लैब ला रहे हैं, साथ में हमने कुछ नए गेम्स की भी और कोशिश की है। भाई अब नंबर आपका है, जल्दी जल्दी आ जाओ, स्कूल में पहुंच जाओ। प्रियंका जी यहाँ पर हैं आपके लिए, और जाहिर सी बात है ये आपके हर वो डाउट को क्लियर करेंगे, और जब आप वो डाउट क्लियर हो जाएगा ना तो आप शायद यहाँ से एडमिशन कराए बगैर जा नहीं पाओगे। तो एक विजिट ज़रूर, और आते हुए जब आप आओगे तो लोकेशन भी आपको बड़ी अच्छी देखने को मिलेगी। चिड़िया से थोड़ा सा ही बाहर निकलते ही खेतों में बहुत ही बढ़िया लोकेशन है, एक अच्छा एनवायरनमेंट यहाँ पर मिलता है। खेलों का मैंने आपको दिखाया था, काफ़ी अच्छा ग्राउंड बाहर इनका है, और काफ़ी अच्छा पार्क है, बच्चों के लिए खेलने की व्यवस्था है, और हर तरह की वो फैसिलिटी जो एक बच्चे को चाहिए है ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए, तो वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ इस यूनिवर्सल स्कूल चिड़िया में भी आपको मिल रही हैं। यहाँ पर आपको बढ़िया चीज़ ये है, शिक्षा में अगर बच्चा आगे बढ़ना चाहता है तो अच्छे टीचर्स, अच्छी सारी सुविधाएं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर मौजूद है। खेल में आगे बढ़ना चाहता है तो अलग अलग खेलों के यहाँ पर कोचिज अवेलेबल हैं, और जैसे कि हमने कल भी आपको दिखाया था इंटरनेशनल लेवल तक बच्चे गए हैं, और इसी स्कूल के अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की आर्चरी में जो बच्चे नेशनल खेल के आए हैं, कुछ नेशनल के ट्रायल दे रहे हैं, तो आप वहाँ से भी आप समझ सकते हैं कि नेशनल तक बच्चे जो हैं वो पहुँच रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ है। और ऐसे स्कूल में आपको एक विजिट तो ज़रूर बनता है, और अब जैसे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट है, मैम ने आपको एडमिशन प्रोसेस भी बताया है, तमाम चीज़ों के बारे में जानकारी दी है, और इसके बावजूद भी अगर आपका कोई सवाल है तो आप नीचे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर डाल दीजिए, हम कोशिश करेंगे कि मैम से हम उन सवालों का जवाब लेकर के आपको या तो कमेंट के माध्यम से जवाब देंगे, या फिर एक नया वीडियो भी हम बना सकते हैं, क्योंकि हम विजिट कर रहे हैं मनु भाकर का स्कूल, मनु भाकर का, क्योंकि यूनिवर्सल स्कूल में ही वो पढ़ी थी, तो जाहिर सी बात है हम उनका वो स्ट्रक्चर जानने की कोशिश जो कर रहे थे कि वो इतनी बड़ी स्टार कैसे बन गई, तो जाहिर सी बात है स्कूल का योगदान बहुत अहम है, क्योंकि स्कूल जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर बच्चे का तैयार कर देता है, उसके बाद उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाता है। तो ऐसा ही कुछ आपके बच्चे के साथ भी हो तो आप एक विजिट यहाँ पे कीजिए, आइए स्कूल में, देखिए क्या कुछ फैसिलिटी मिल रहे हैं। और आई थिंक हमने आपको सारी नॉलेज इस वीडियो के माध्यम से दी है, और अगर कुछ बची है तो आप सवाल एक अपना जरूर डालिएगा, हम आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू मैम, आपने हमसे बात की और आपने स्कूल को विजिट करने का भी हमें मौका दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा से कभी फिर से मुलाकात होगी। वेलकम सर, बिल्कुल, एनी टाइम व्हेन यू वांट टू कम। जी बिल्कुल, और जब हम यहाँ पर आए थे तो हम बड़े सवालों के साथ आए थे, वो सवाल हमारे काफ़ी सारे दूर हुए हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें हम भी देख पा रहे हैं कि काफ़ी बेहतरीन स्कूल है। तो बस एक विजिट, और अभी हम इस वीडियो को बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले समय में कुछ नई सूचनाओं के साथ आपके साथ जल्द ही मिलेंगे, कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नई चीज़ों को आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो आप केवल बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और जो लोग नए हैं हमारे चैनल पर वो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिएगा, और जाहिर सी बात अगर आपका कोई ये सवाल है या कुछ आप स्पेशल देखना चाहते हैं उसका हमें आप अपना एक मैसेज जरूर डालिएगा, ताकि हम उस मैसेज को पढ़ करके आपके लिए वो सारी जो जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा सकें। बस आप चैनल पर बने रहिए, लगातार देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज़ को। अभी बस इतना ही रख रहा हूँ, आने वाले समय में जल्द ही आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमेश ढाका VTS लाइव न्यूज़ के लिए।